छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना अंतर्गत ग्राम मेघदून में बीती दिन प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला। यह बलात्कार के एक आरोपी के पक्के मकान को प्रशासन द्वारा बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मेघदून निवासी नफीस पिता शफी मंसूरी द्वारा एक विवाहित युवती के साथ बलात्कार किया गया, तो वही उसकी फोटो और वीडियो भी बनाए गए, जिसे सोशल मीडिया में वायरल भी किया गया है। मामले को लेकर विवाहिता युवती द्वारा चांद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी युवक नफीस बलात्कार कर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। मना करने पर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल उत्पन्न हो गया, तो वही आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की गई, जिसमें आरोपी नफीस पिता शेख शफी मंसूरी द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर आवास बनाना पाया गया, जिसके तहत तहसीलदार द्वारा नफीस पिता शफी को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा छोड़ने का आदेश जारी किया गया, किंतु आरोपी द्वारा अवैध कब्जा जमा रखा गया था। ऐसे में बीते दिन प्रशासनिक टीम और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्रवाई की। इस दौरान करीब 4 घंटे की कार्रवाई में आरोपी की आवास को जमींदोज किया गया। आज मेघदौन में खसरा नंबर 268/16 पे जो सफी पिता अजगर मंसूरी का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था खदरवासी मरी गेट पर, उसको सुबह ही पुलिस एवं राजस्व हमले के द्वारा हटा दिया गया। और आने वाले समय में भी जैसे भी अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होंगी, हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त होगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टर न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट।